ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए बात कही गई। साथ ही एसके यादव का ये कहना है कि आने वाले चुनाव में अभी तक हमारी यूनियन किसी को समर्थन देने के लिए अभी कोई घोषणा नहीं कर रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो हमारे हित की बात करेगा उसके बारे में सोचा जाएगा। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मंडल कार्यकारिणी की बैठक ओबीसी लोको शाखा कार्यालय डीआरएम ऑफिस पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संतराम मंडल अध्यक्ष ने की। बैठक में देहरादून, हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद, गजरौला, हापुड़, चंदौसी, बरेली, शाहजहांपुर, रौजा, बालामाऊ तथा मुरादाबाद लोकल की चारों शाखाओं सहित मुरादाबाद मंडल के DWC, DEC के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। एसके यादव मंडल सचिव ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि ओबीसी संगठन रेलवे के बहुतायत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में संगठन के पदाधिकारियों का दायित्व और भी अधिक हो जाता है। अतः ओबीसी कर्मचारी अपने अधिकारियों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें एवं अनुशासन में रहकर अपने रेल कार्य को निष्ठापूर्वक करें तथा भ्रष्टाचार से हमेशा बचें और भ्रष्टाचार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव एकजुट रहें। श्री यादव ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि संगठन को स्थायी वार्ता तंत्र में भागीदारी दी जाए, न्यू पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, रेल कर्मचारियों को सेना की तर्ज पर कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा विवेक देवराय समिति रिपोर्ट, भारतीय रेल का कंपनीकरण निजीकरण का संगठन पुरजोर विरोध करेगा। यदि ऐसा किया गया तो ऐसा सैलाब आएगा जिसका परिणाम भयंकर होगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब तक दोषी को दंड नहीं दिया जाएगा और निर्दोष को दंडित किया जाता रहेगा, तब तक संरक्षा की बात करना बेईमानी होगी। उन्होंने कर्मचारियों को रेल कार्य करते समय बेहद सजग रहने की हिदायत भी दी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संतराम मंडल अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि ट्रैक बैंड को सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाए व समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 28,000 व VRS स्कीम सभी कोटियों में लागू किया जाए। संरक्षित रेल संचालन हेतु गार्ड, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट सहित सभी कोटियों में कर्मचारियों की भर्ती किया जाना बहुत आवश्यक है। बैठक को मुख्य रूप से गुरुदेव सिंह, राकेश, संजय कुमार, अशोक पाल, मोहम्मद अरशद, अजीत कुमार, विनोद कुमार, रामकिशन, रवि यादव, बादल राजपूत आदि ने भी संबोधित किया। आज ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मंडल कार्यकारिणी और मंडल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और कोई विशेष कारण नहीं है कि मीटिंग करने का, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर साल जो है हमें दो मीटिंगें करनी होती हैं, बीच बीच में इनफॉर्मल मीटिंग वगैरह वो सारी होती है। लेकिन आज हम जो है संगठन को मजबूत करने के लिहाज से बैठक कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में बहुत सारी रणनीति हमें बनानी है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग का हित जो है कोई कर नहीं सकता है, उसके बारे में हमें काफ़ी सारी रणनीति बनानी पड़ती हैं। उसी पक्ष में हम लोग ये जरूर आज हमने डिसीजन लिया है यहाँ कि जो निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन की जो व्यवस्था रेल में लागू की जा रही है और कर्मचारियों को जो है पूरी तरह से जो है बर्बाद करने की जो प्लानिंग चल रही है, उसका हम लोग विरोध करने का हमने प्रस्ताव पास किया है। आज हम लोग भरपूर विरोध करेंगे, प्राइवेटाइजेशन हम नहीं होने देंगे, निजीकरण हम नहीं होने देंगे। दूसरा, हमने कई और प्रस्ताव भी पास किए हैं। एक बहुतायत कर्मचारियों का संगठन है, बहुत सारे कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हुए हैं, 50 से 55% रेलवे एम्प्लॉई ओबीसी के हैं, उनके हित में रेलवे में जो एसोसिएशन हमारी है उसको PNM में भागीदारी दी जानी चाहिए, उसकी डिमांड हमने की है। हमने कई सारी और कर्मचारियों संबंधित प्रस्ताव पास किए हैं। आने वाले समय में ओबीसी संगठन जो बहुत मजबूती से काम करेगा और आगे सारे संगठनों से आगे बढ़ के काम करेगा। ये हमारे चुनाव है, चुनाव को लेकर किसको समर्थन करने वाले हैं, क्या चुनाव में अभी हमने कोई डिसीजन लिया नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस यूनियन को हम जिताते हैं वो हमारे ही संगठन के लोगों को और हमारे कर्मचारियों का शोषण करते हैं। हमने कोई भी अभी जोनल कार्यकारिणी की बैठक हमारी 23 तारीख को दिल्ली में हुई है, उसमें हमने अभी ये डिसीजन लिया कि हम अभी किसी को भी समर्थन करने के उसमें नहीं है। जब कोई समर्थन की बात आएगी, वोट की बात आएगी, तो हम बताएंगे। साथ यूनियनें चुनाव लड़ रही हैं, अब देखा जाएगा JDC की मीटिंग या जोन से जो निर्देश मिलते हैं वो उसका पालन किया जाएगा, वो समय आने पे हम बताएंगे।